स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए, बीच में स्किप करके मत जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, कि यहाँ पर एक भवन है और एक मीनार है। एक भवन है और एक मीनार है। भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, और मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। भवन की ऊंचाई दी गई है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके किताब में क्वेश्चन दिया गया है। और मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है, भवन की निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये हो गया मीनार, ये हो गया भवन, ठीक है। ये हो गया, ये मीनार के यहाँ से आधार से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। ये दोनों के बीच की दूरी है 30 डिग्री, और यहाँ से जब देखता है इसका, तो उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। ये 50 मीटर गिवन है, और हमें इसकी ऊंचाई निकालना है, और साथ में इसके बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। नहीं, बीच की दूरी नहीं ज्ञात करनी है, केवल हमें इसकी ऊंचाई ही ज्ञात करना है। आगे क्वेश्चन समझिए, भवन है, मीनार है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस भवन की ऊंचाई क्या है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये दिया हुआ है और इसको निकाल लेते हैं। जब ये चीज मिल जाएगी तो इसके जरिए इसको हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखे मीनार की ऊंचाई, ये सीढ़ी है और ये बराबर है 50 मीटर। अगर समझ में, भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए, यहां पर ये मीनार है, ये भवन का आधार है। यहाँ से जब इसको देखता है तो इसका 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन जाता है। इसकी ऊंचाई 50 मीटर ही आपको दिख गई, ठीक है। और मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आप लिखना चाहो तो कोण का नाम लिख सकते हो, बराबर है 30 डिग्री। अब ये कोण है ए सी बी या बी सी ए, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री, और यहाँ पर लिख सकते हो कोण सी बी डी, सी बी डी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। माना भवन की ऊंचाई बराबर एच मीटर, हमने इसकी ऊंचाई एच मीटर मान लिया। चलिए आप देखिए, ये हम पहले इस त्रिभुज में ले लेते हैं। तो त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या है, सी डी बटे में बी सी और बराबर हो गया टैन। जब इसको लेंगे इतने में, तो ये एंगल 60 का है, इसको लिया जाएगा। जब इस त्रिभुज को लेंगे तब ये एंगल लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है ये 50, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लिया, तो ये हो गया x,
या बीसी ही रहने दो, छोड़ो नहीं तो कन्फ्यूजन आप हो जाएगी आपको। ये बीसी वैसे ही है और टेन साठ का मान होता है रूट तीन, तो ये हो गया। तिरछा गुणा करेंगे तो बीसी बराबर ये नीचे इसके आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 50 बटे रूट तीन मीटर आ गया, नंबर एक आ गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में इतना बटे इतना कर लो, ए बी बटे बी सी, और ये बराबर हो गया टेन थर्टी के, तब कोण ये ले लिया जाएगा। अब ए बी तो एच है, बी सी आपने यहाँ से निकाला वो रख दो, 50 बटे रूट तीन, और ये रूट तीन होता है। ठीक है, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो h बराबर हो गया एक बटा रूट तीन गुणे 50 बटा रूट तीन। ठीक है, और h बराबर हो गया 50, रूट तीन का रूट तीन में गुणा करेंगे तो केवल तीन आएगा, और तीन से जब इसको आप गुणा मतलब जो है भाग दे दोगे तो ये 16 सही 2/3 मीटर आ जाएगा, चाहे लगभग में निकाल लो चाहे इसको पॉइंट में निकाल लो। तो हमने इसको मिक्स में निकाल दिया, पॉइंट में निकालेंगे तो 16.6 मतलब 666 इस तरह से आएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें ये दिया है कि एक 80 मीटर लंबी चौड़ी सड़क है, ये सड़क है और ये 80 मीटर है टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर दो समान ऊंचाई के खंभे हैं, मतलब दोनों की ऊंचाई बराबर है, ये दोनों की ऊंचाई बराबर है, और इसके बीच में एक बिंदु है जहां से उन्नयन कोण 60 और 30 है। मान लेते हैं हम इस बिंदु को ले लेते हैं, तो इसका है 60, जो पास है 60 है और दूर वाले का 30 डिग्री है, दोनों की हाइट बराबर है। ये ध्यान रखना कि जो वस्तु के पास बिंदु होता है उसका उन्नयन कोण ज़्यादा होता है, जब वस्तु दूर होती है जितने उतने ही उसका उन्नयन कोण कम होता चला जाता है। अब ये 60 है और ये 30 है, यहाँ से इसको देखता है तो 60, यहाँ से इसको देखता है 30, दोनों की ऊंचाई बराबर है, और इसे हम क्यू मान लेते हैं, तो इसे क्यू मान लेते हैं। अब ये समझ गए होंगे, यहाँ पर कोई ये भी डी कर दो, और ये है 80 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये टोटल 80 है, अगर इसको हम x मान लेते हैं तो ये 80 माइनस x होगा, इतना इधर ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, और जब इसके जरिए हमारे खंभे की ऊंचाई आ जाएगी और बिंदु की दूरी भी आ जाएगी, पहले खंभे से यहाँ से इसकी दूरी क्या, जब ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि सड़क की चौड़ाई और चौड़ाई है ए बी, और ये बराबर है 80 मीटर। ठीक है, अब हम इसकी ऊंचाई को एच मान लेते हैं, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर, खंभे की ऊंचाई मान लिया, माना बिंदु d की पहले खंभे से दूरी ये है ad, ये बराबर है x मीटर हो गया, तो BD ले लो, BD बराबर 80 माइनस x हो जाएगा, निकल गया, और दोनों के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर का
उन्नयन को। साठ और तीस डिग्री, ठीक है आ गया। अब क्या करना है कि हम पहले छोटे त्रिभुज में लेंगे, एच और एक्स है और सिंपल क्वेश्चन है, तो हम ऐसे कंडीशन में उन्हीं को लेते हैं जो आसान बैठे। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज पी ए डी में, पी ए बटा ए डी, और ये बराबर है टेन साठ के, ये है एच, ये है एक्स, टेन साठ का मान रूट तीन होता है, तो क्रॉस कर दो तो ये हो गया एक्स रूट थ्री, ठीक है, और ये मीटर में आ गया। ये पहला हो गया पॉइंट। अब हम त्रिभुज उसमें ले लेते हैं, तो त्रिभुज डी बी क्यू या क्यू बी डी में, क्यू बी डी में जब इसमें लेंगे तो बी क्यू बटा डी बी बराबर टेन तीस के, ठीक है। अब ये भी एच है और डी बी कितना है, अस्सी माइनस एक्स एक बटा रूट तीन हो गया। टेन थर्टी का मान कितना है, एक बटा रूट तीन, बी क्यू एच ही है और डी बी हमने इसमें अस्सी में से ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया एच बराबर अस्सी माइनस एक्स बटे रूट तीन। अब देखिए यहाँ एच की जो वैल्यू आई है चाहे उसको रख दो और चाहे एच की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, बराबर हो गया अस्सी माइनस एक्स बटे रूट तीन। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तीन एक्स का रूट तीन से गुणा होकर तीन एक्स बनेगा और बराबर होगा अस्सी माइनस एक्स। अब एक्स को एक साइड हम ले आएंगे तो एक्स को एक साइड ले आएंगे तो थ्री एक्स प्लस एक्स होगा, इधर बच जाएगा एट्टी अस्सी, और तीन और एक को मिलाएंगे तो कितना हो गया चार एक्स हो गया, और चार एक्स बराबर अस्सी के तो एक्स बराबर हो गया बीस, ठीक है। अब एच बराबर रूट थ्री एक्स है, एक्स की वैल्यू वहाँ रख देंगे तो ये एच बराबर हो गया बीस रूट तीन। तो यहाँ पहले खंभे से बिंद की दूरी 20 मीटर आ गई और दूसरे खंभे से बिंद की दूरी, कुल दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 है तो 80 में से पहले की दूरी घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर, और खंभे की ऊंचाई 20 रूट तीन मीटर आ गई। तो इस तरह ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। तो और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।